हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में जारी रहेगी बच्चों की पढ़ाई, नहीं बंद होंगे स्कूल, नीतीश कुमार ने किया ऐलान। जी हां, बिहार में अभी स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना की अभी वैसी स्थिति नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि स्कूल में सभी जरूरी सुविधाएं का ख्याल रखा जाए और एहतियात बरती जाए। लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें एवं मास्क का प्रयोग अवश्य करें। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों की हो कोरोना जांच। जी हां, बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के मद्देनजर शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को कोरोना को लेकर सजग रहने और पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया। साथ ही बिहार में बाहर से आने वालों की कोरोना जांच कराने को कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पटना, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात समेत 7 राज्यों से पटना आने वाले लोगों को अब होम क्वारंटाइन किया जाएगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच बूथ बनाए गए हैं, जहां जांच भी शुरू कर दी गई है। तीनों जगहों पर यात्रियों की सूची मंगाई जा रही है। बड़ी खबर, बिहार में आरटीएस कानून में बदलाव, अब 10 दिनों में मिलेगा जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। जी हां, बिहार सरकार ने सेवा का अधिकतम अधिनियम कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बदलाव में इसके तहत आने वाली सेवाओं को और सुलभ बनाया गया है, साथ ही कई नए सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से सीओ की जगह जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी जारी करेंगे। हालांकि 31 मार्च तक अंचल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 की आंसर की जारी, छात्र ऐसे दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं परीक्षा के आंसर की शनिवार को जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के सभी विषयों के विकल्पीय प्रश्नों की आंसर की बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी कक्षा 10 के आंसर की biharboardonline.bihar.government.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आंसर की देखने के बाद छात्रों को यदि किसी प्रश्न का जवाब या प्रश्न गलत लगता है तो वह आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रखें, आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2021 है। होली से पहले पटना वासियों को सीएम नीतीश देंगे सौगात, शुरू होगा आर ब्लॉक जीपीओ फ्लाईओवर। जी हां, होली से पहले नीतीश सरकार की तरफ से पटना वासियों को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। 25 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2015 में शुरू हुए आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक जोड़ने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। यह फ्लाईओवर 104 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन का हर किसी को लंबे समय से इंतजार है, इससे लोगों के समय की बचत होगी। 24 मार्च तक बिहार विधानसभा का सत्र चलना है और सत्र समाप्ति के अगले दिन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि इस फ्लाईओवर को 11 नवंबर 2018 तक तैयार हो जाना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि 21 मार्च 2021 तय की गई थी। बड़ी खबर, 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा दाखिल खारिज, 31 से मिल जाएगी म्यूटेशन की चिंता से मुक्ति। जी हां, होली के बाद बिहार सरकार राज्य के करोड़ों लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। लोगों को जमीन के दाखिल खारिज के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय नहीं जाना होगा, आवेदन भी जमा नहीं करना होगा। 31 मार्च से मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार, अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह 31 मार्च को सुमोटो म्यूटेशन की व्यवस्था को लॉन्च करेंगे।
दूसरी बड़ी खबर, बिहार में राजस्व कर्मियों पर सख्ती, म्यूटेशन का आवेदन खारिज करने के पहले बताना होगा कारण। जी हां, बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले को अस्वीकृत करना राजस्व कर्मियों के लिए अब आसान नहीं होगा। सीओ को किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले वाजिब कारण बताना होगा। अगर किसी कागज की कमी है तो रैयत को मौका देकर कागज मंगाना होगा। आपको बता दें कि NIC ने इसके लिए सॉफ्टवेयर में सुधार किया है। 26 मार्च से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। म्यूटेशन के मामले में पहले अस्वीकृति का कारण बताना था, लेकिन यह आदेश बहुत स्पष्ट नहीं था। आवेदन में मामूली त्रुटि का बहाना बनाकर और आवेदक को बगैर कोई मौका दिए आवेदन अस्वीकृत किए दिए जाते थे। अब किसी आवेदन को अस्वीकृत करने के पहले आवेदक या रैयत को साफ साफ कारण बताना होगा। बड़ी खबर, पटना धनबाद हाजीपुर के रास्ते और 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन। होली फेस्टिवल पर होने वाली भीड़ को लेकर रेलवे का ऐलान। जी हां, होली फेस्टिवल पर होने वाले यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पटना धनबाद और हाजीपुर के रास्ते और 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि 04050 और 04049 आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल, साथ ही 04519 और 04520 कोलकाता नगल डैम कोलकाता एवं 04221 04222 लखनऊ कोलकाता लखनऊ सहित 3 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। होली स्पेशल ट्रेनों का पूर्व मध्य रेलवे के पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन धनबाद हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज से पुलिस वालों को हटाने का आदेश कल ही लड़कियों ने DM से की थी शिकायत। जी हां, बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज से पुलिस वालों और अर्धसैनिक बलों को हटाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से राज्य के सभी SP SSP और DO को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि कल ही पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से लड़कियों ने शिकायत की थी कि बाकीपुर गर्ल्स स्कूल में पुलिस वालों के रहने से उन्हें परेशानी हो रही है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि शनिवार को CM नीतीश की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों में इसे भी जोड़कर देखा जाए। पत्र में लिखा गया है कि लॉकडाउन के कारण स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही थी। इस दौरान पुलिस वालों और अर्धसैनिक बलों को स्कूल और कॉलेज में ठहराया गया था, लेकिन अब सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने का आदेश दे दिया है। लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ठहराव के कारण बच्चों को परेशानी हो रही है, जिसके कारण उन्हें तत्काल यहां से हटाने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार के इस स्कूल में कोरोना पॉजिटिव निकला छात्र, 26 मार्च तक स्कूल बंद रखने का निर्देश। जी हां, मार्च 2021 में कोरोना वायरस भारत में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। एक बार फिर से कोरोना ने बिहार में भी दस्तक दे दी है। यह तेजी से अपना पाव पसारता जा रहा है। अभी हाल ही में बेगूसराय में 5 लोगों में कोरोना के लक्षण भी पाए गए थे, जिसके बाद सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है और पूरे इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र में तब्दील किया गया है। वहीं कल बिहार के सिवर में भी एक मामला सामने आया है, जहां स्कूल के एक छात्र में कोरोना का लक्षण पाए जाने से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया है। मामला सिवर के तरियानी छपरा बालक विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्कूल में कोरोना की जांच कराई गई थी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हुए थे। सभी बच्चों की कोरोना जांच के बाद रिजल्ट आया, तब पता चला कि स्कूल के एक बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद आनन फानन में विद्यालय को 26 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 23 मार्च को विधानसभा घेरने की बड़ी तैयारी में जुटा राजद, तेजस्वी खुद कर रहे हैं निगरानी। जी हां, 2 दिन बाद 23 मार्च को राज्य में बेरोजगारी, अपराध एवं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव है, जिसे कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। टास्क युवा राजद को दिया गया है, मगर नेता प्रतिपक्ष खुद तैयारी की समीक्षा और निगरानी कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा, सार्थक विमर्श में हिस्सा लिया और जरूरत पड़ने पर तेवर भी दिखाए, उसका साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में राजद अपनी भूमिका को और सकारात्मक करने जा रहा है। यह सत्ता पक्ष की सेहत के लिए अच्छा संकेत हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र को ऊर्जा मिले, क्योंकि विपक्ष की सकारात्मक सक्रियता से सत्ता पक्ष पर भी दबाव पड़ता है।
अगली बड़ी खबर, सीबीएसई ने दी छात्रों को सुविधा, 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी बदल सकेंगे परीक्षा केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। बोर्ड ने इसका विकल्प दिया है, अगर परीक्षार्थी कोरोना से पीड़ित है या कोरोना के कारण अपने शहर में नहीं है तो प्रायोगिक व सैद्धांतिक परीक्षा का केंद्र बदल सकते हैं। इसके लिए स्कूल में 25 मार्च तक आवेदन करना होगा। स्कूल द्वारा संबंधित छात्र का आवेदन 31 मार्च तक बोर्ड को भेजना होगा। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। अगर छात्र अपने ही शहर में केंद्र बदलना चाहते हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। अगर परीक्षार्थी सैद्धांतिक व प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं के केंद्र बदलना चाहते हैं तो अलग अलग स्कूल में केंद्र दिया जाएगा। दूसरे देश के सीबीएसई परीक्षार्थियों के लिए भी केंद्र बदलने का विकल्प दिया गया है। पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के खिलाफ करेंगे जन आंदोलन। 23 मार्च को सदन में पेश होने वाले प्रस्तावित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ विरोध जताते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के इस कानून के बाद मजिस्ट्रेट से वारंट की जरूरत नहीं होगी, पुलिस ऐसे ही मनमाने ढंग से किसी के घर में घुस जाएगी। यह कानून बिहार के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने वाला कानून है। बिहार सरकार अब तानाशाह रुख अख्तियार कर चुकी है, लेकिन इस कानून के खिलाफ जन अधिकार पार्टी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, साथ ही इसे लेकर जन आंदोलन भी करेगी। पप्पू यादव ने कहा कि यदि नीतीश जी सही में महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी और कपूरी ठाकुर के अनुयायी हैं तो इस विधेयक को सदन में पेश होने से रोके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक में सरकार अब बिहार सैन्य पुलिस को अधिक अधिकार से लैस कर देगी, जिसके तहत अब केवल संदेह के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी हो सकेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब शहरों की तरह होगी गांव की भी सफाई, पंचायतों में रखे जाएंगे सफाई कर्मी। जी हां, नगर निकाय की तर्ज पर अब पंचायतों में भी सफाई कर्मियों को रखा जाएगा, जो वहां सड़कों गलियों की सफाई के साथ साथ मृत पशुओं का प्रबंधन करेंगे। पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मंत्री ने कहा कि ये सफाई कर्मी सफाई के अलावा मृत पशुओं के अपशिष्ट प्रबंधन का भी काम करेंगे। इसके लिए पशुपालन विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा। और अंत की बड़ी खबर, पटना समेत बिहार के 20 जिलों में आंधी पानी के आसार, येलो अलर्ट जारी। जी हां, पटना सहित बिहार के 20 जिलों में आज यानी रविवार को गरज के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी की स्थिति बनने के आसार है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की तीव्रता बहुत अधिक नहीं होगी। आपको बता दें कि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और पूर्णिया जिलों में गरज तड़क के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि बिहार का राजकीय फूल क्या है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर